रांची एयरपोर्ट पर रोके गए कपिल मिश्रा, रुपेश पांडे के परिजन से मिलने हजारीबाग जाने का था कार्यक्रम, पुलिस ने नहीं दी अनुमति। दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। कपिल मिश्रा हजारीबाग के बहरी में दो गुटों के बीच हुए विवाद में मरने वाले रुपेश पांडे के परिजन से मिलने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि रांची पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी है। कुछ सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि एयरपोर्ट पर भाजपा नेता को हिरासत में ले लिया गया है। रांची पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें केवल बाहर जाने से मना किया गया है। बताया जा रहा है कि माँ सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों में हुए विवाद के दौरान रुपेश पांडे की मौत हो गई थी। रुपेश की मां अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की मांग को लेकर पिछले 9 दिन से अनशन कर रही है। इस मामले में हिंदूवादी संगठन की ओर से लगातार अलग अलग जगहों पर आंदोलन चलाया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। इस मामले में कपिल मिश्रा ने पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना जाहिर करने के लिए झारखंड आने की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह करीब 8 बजे कपिल मिश्रा रांची एयरपोर्ट पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। कपिल मिश्रा ने अपने अकाउंट से इस संबंध में ट्वीट किया है। कपिल मिश्रा के ट्वीट के बाद बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे। हंगामे की आशंका को देखते हुए एयरपोर्ट के बाहर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। एयरपोर्ट थाना, डोरंडा थाना, जगन्नाथपुर थाना सहित अन्य कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।